आइए देखते हैं मजा आएगा। ये दे रहा है मैंडेट। चलिए आप एक बात मानेंगे, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का साथ ना होता तो आपकी टैली ये नहीं होती कांग्रेस की। वाह दीदी वाह दीदी। नहीं नहीं दीदी वाह दीदी। भाजपा के पास अगर सुहेल देव राजभर अपना दल का साथ ना होता तो भाजपा 10 सीट का शून्य पर है अभी। फिर ये कहिए आप ना, अगर भाजपा के पास एनडीए का साथ ना होता वहां कितने दलों का गठबंधन था उनके पास, आपको पता है? नहीं नहीं, अपना दल के पास तो अभी शून्य है, सिर्फ आरएलडी अपनी 2 सीटों पे जीत रही है। शून्य रह जाएगा लेकिन गठबंधन तो था ना, अपना दल, निषाद पार्टी, सुहेल देव राजभर पार्टी, कितनी पार्टियां थी उनके साथ, अगर वो ना होते तो भाजपा का आंकड़ा क्या होता, इस पर बात क्यों नहीं कर रही हैं आप? अल्लाह, कौन सब्जेक्ट अच्छा लगता है? बैगन। आप करे बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो। आप बता दीजिए, संडास दिखा दो, हम तैयार हैं। हम बता देने के लिए, हम अब पहले मेरे सवाल का जवाब आप दे नहीं रहे। जब आप अखिलेश जी और कांग्रेस के गठबंधन की बात कर रही हैं तो फिर एनडीए के साथ जो गठबंधन, कांग्रेस प्रवक्ता से तो सर यही पूछूंगी ना, बीजेपी वालों से पूछ लूंगी, ये उनके लिए सवाल छोड़ दें अगर आप ये वाला बताना चाहें, नहीं तो आप बता दीजिए। सवाल के लिए मैं बता रहा हूँ, पूछिए, मैं सवाल बता रहा हूँ, आप सवाल पूछिए। मैंने पूछा ना कि समाजवादी पार्टी का साथ ना होता तो क्या कांग्रेस अपने दम पर भी इस तरह की, मतलब समाजवादी पार्टी का साथ मिला इसीलिए टैली इतनी आगे बढ़ी आपकी? समाजवादी पार्टी का साथ क्यों ना होता, इंडिया गठबंधन बनाया किसने? हमने मेहनत की, इंडिया ब्लॉक बनाया नफरत के खिलाफ, तो गठबंधन क्यों ना होता, जो चीज है उस पर बात करिए ना। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। नहीं, अगर आप अभी भी इस चीज को डिफेंड करना चाहते हैं या फिर भारतीय जनता पार्टी का जो मैंडेट आपको दिख रहा है, जो उनके पास सीटें आ रही हैं, उसको लेकर अभी भी आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, हजम नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर कुछ भी चिढ़ा लीजिए, वो तो अलग बात है। गजब भी। क्या इस तरह की भाषा चल रही है, वो ऐसी भाषा है कि कोई ने 300 सीटें जीती हुई हो। आप कहां के ज्ञानी बाबा? अभी भी एनडीए, अभी भी उन्हें देना पड़ेगा क्रेडिट। मैं तो भाषा की बात कह रहा हूँ भाई, आपने अच्छा प्रदर्शन करा, बहुत अच्छी बात है, आपको बधाई मिलनी चाहिए, उसमें कोई नहीं, लेकिन अभी भी जो है जीत तो एनडीए रही है, अभी भी आप थोड़ी जीत रहे हैं। जब आप जीत जाए तो ये भाषा आप तब इस्तेमाल करिए, मैं मानता हूँ। अभी मदद है भाई, अभी मदद है अभी, लेकिन आज के दिन ये भाषा है। सुधांशु जी, सुधांशु जी, जहाँ से वो आए ना उत्तर प्रदेश में 40 के आगे से, आपने बुलाया है तो मुझे भी सुनिए ना। इमरान जी बोलिए पहले। हाँ बोलिए। जो ये कह रहे हैं कि भाषा, इन्होंने प्रधानमंत्री जी की भाषा पे एक भी टिप्पणी की जो उनके चुनावी भाषण थे उस पर, मुजरा से लेकर मंगलसूत्र से लेकर के भैंस तक पे कोई टिप्पणी की इन्होंने, तब इनको भाषा नहीं दिखी, प्रधानमंत्री की भाषा नहीं दिखती आपको? मर्यादा रखिए, थोड़ी मर्यादा रखिए। उत्तर प्रदेश के अंदर आपके गठबंधन को जो कामयाबी मिल रही है, किसी एग्जिट पोल ने नहीं दिखाया था, बीजेपी ने शायद बहुत बड़े बड़े दावे कर दिए थे, एग्जिट पोल ने जो दिखाया वो अब बाकी राज्यों में भी वैसा नहीं दिखाई दिया, कुछ राज्यों में जैसे एमपी है, गुजरात है, कर्नाटक है, यहाँ पर अपनी जमीन बचा रही थी। मेरी बात ज्यादा तो मीडिया ने दावे किए थे भाई, ये तो मीडिया। क्या बात है सर, क्या बात है सर, एग्जिट पोल की सबसे बड़ी हार है। 2.5 महीने पहले 3 महीने पहले ना मीडिया मान रही थी ना देश मान रही थी, लेकिन राहुल गांधी जी बाकी घटक दलों ने वो कर दिखाया जो बिल्कुल अप्रत्याशित है, और सारे एग्जिट पोल झूठे साबित हुए हैं, और झूठे नहीं बल्कि महाझूठे साबित हुए हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर।